नमस्ते बच्चों, आज हम 0 से 10 संख्या की कहानी सुनेंगे। एक पेड़ के नीचे एक टोकरी में बहुत सारे फल रखे थे। एक बंदर ने देखा और उस टोकरी के सारे फल चुरा लिए। अब टोकरी में 0 आम थे। बंदर सारे फलों को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक आम खाया। वह आम खा ही रहा था कि वहाँ एक और बंदर आ गया। उसने पहले बंदर को कहा, मुझे भी इन फलों को खाना है, क्या तुम मुझे 1, 2 और 3 फल दे सकते हो? पहले बंदर ने साफ मना कर दिया। दूसरा बंदर नाराज होकर उस पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। पहला बंदर इतनी देर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फल खा चुका होता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं उसने कितने आम खाए? बिल्कुल सही, उसने 6 आम खाए। बंदर का पेट भर गया, लेकिन वह फिर भी फल खाता रहता है। अब उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फलों को खाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं अब बंदर ने कुल कितने आम खाए? बिल्कुल सही, बंदर ने अब कुल 10 आम खाए। अब वहाँ 0 फल थे। सारे फलों को खाने के बाद अब उसका पेट दर्द कर रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। दूसरे पेड़ पर बैठा बंदर हंसने लगा। ये सब देखकर पहले बंदर को दुख हुआ और वो सोचने लगा कि उसे लालच नहीं करना चाहिए था, सारे फल अकेले नहीं खाने चाहिए थे। उसने दूसरे बंदर से जाकर माफी मांगी और दोनों डॉक्टर के पास चले गए। बच्चों, थी ना ये कहानी मजेदार? आप भी ऐसी ही कहानी लिखकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमने इस वीडियो में आज 0 से 10 संख्याओं की एक दिलचस्प कहानी सुनी।